हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम क्षितिज राय है और आप लोग देख रहे हो फाइनेंस विद राय। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ। पहले हम लोग देख लेंगे निफ्टी, फिर आते हैं बैंक निफ्टी के साथ, उसके बाद देखेंगे कुछ स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेड के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी भी मोस्टली इंट्राडे के लिए बात करेंगे। अगर पोजिशनल लेना है तो पोजिशनल भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक अच्छी खासी यहाँ पे आप लोग को फिर से कंटिन्यूएशन में रैली मिलना स्टार्ट हो गई है। और ये चीज़ हमने पिछले मंडे को ही आप लोग को बताई थी कि अगर यहाँ से इन वाले लेवल्स पे देखा जाए, दो तीन दिन वेट करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया है। ऑल टाइम हाई ऐसे ही ब्रेक नहीं करती कोई भी चीज़, कोई स्ट्रेंथ होती है कि मतलब फंडामेंटल रीजन होते हैं, फिर ही यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है। ये चीज़ आप लोग बता सकते हो बिना किसी न्यूज़ के, बिना किसी कुछ किए। टेक्निकल्स देखोगे तो टेक्निकल्स भी अपने आप में ही एक थ्योरी बताती हैं। यहाँ पे मतलब एक स्ट्रेंथ थी तभी यहाँ पे ब्रेक किया है, गैप खुली है, गैप खुलने के बाद यहाँ से और फर्दर कंटिन्यूएशन में जा रही है। अब ऐसे ही आने वाले समय में आप लोग को अपसाइड मार्केट देखने के लिए मिलेगी, हमें तो ऐसा ही लगता है, कुछ स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी। अगर आप लोग थोड़ा बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा अगर पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हो या अपना बना के रखते हो, तो उस केस के अंदर आप लोग पोर्टफोलियो के अंदर भी स्टॉक्स डालना स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे खैर बकवास छोड़ते हैं हम लोग, जो वीडियो जिस पर्पस के लिए वहाँ पे उसके लिए बात करते हैं। कल हम लोग, आप लोग को याद होगा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे कि मार्केट अगर गैप खुलती है तो गैप खुलने के बाद, या फ्लैट खुलती है तो फ्लैट खुलने के बाद अगर रीटेस्टिंग करती है तो रीटेस्टिंग पे हम लोग बाइंग करेंगे, अदरवाइज 12 बजे के आसपास हम लोग वेट करेंगे। हमसे पूछोगे तो यहाँ पे भी पोजीशन ऐड कर सकते थे, लेकिन रिस्की का इस्था तो यहाँ पे पोजीशन हमने नहीं ऐड की, हमने पोजीशन ऐड की थी यहाँ पे। उसके बाद धीमे धीमे मार्केट ऊपर गए, यहाँ से बहुत अच्छा टारगेट दिया यहाँ पे आप लोगों को 100 पॉइंट्स के ऊपर ऑलरेडी, मतलब 100 पॉइंट्स के ऊपर आराम से इसके अंदर टारगेट मिल जाता। हमसे पूछोगे तो यहाँ पे पूरा टारगेट तो नहीं लिए, लेकिन फिर भी एक डिसेंट टारगेट कैप्चर करने का मौका मिला था यहाँ पे, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिला था। तो जो बैठा होगा उसको थोड़ा बहुत मिला होगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखा जाए कि हम लोग फर्दर अब यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। तो अभी देखो फिर से यहाँ पे सेम चीज़ कहेंगे, कल मार्केट अगर या गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलने के बाद मार्केट साइडवेज हो 12 बजे 1 बजे के बाद, फिर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मोस्टली 12 बजे के बाद ध्यान देने लगना, 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद कभी भी आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है अगर मार्केट शुरुआत में साइडवेज जाती है तो। अदरवाइज हम लोग को चाहिए होगा थोड़ा बहुत रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे कुछ समझते हुए यहाँ पे बाइंग करेंगे। देखो रीटेस्टिंग में आप लोग बाइंग कैसे करते हो, अगर आपको नहीं पता है, जब रीटेस्ट आप लोग देख रहे हो तो रीटेस्टिंग में बाइंग आपको तब करनी है जब जैसे कि ये एक कैंडल बनी रेड, तो इस रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे जैसे इस मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक कर रही है तब आप इसको यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो रीटेस्टिंग वाला फेज था वो कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे और नीचे हम लोग को नहीं ड्रैग करेगा। अगर कैंडल्स इसको कवर नहीं कर पाती तो मतलब ये यहाँ पे बेयर्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और यहाँ बार बार रिजेक्शन दे रहे हैं और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है। एक बार लेकिन इन वाले लेवल्स को क्लियर कर गई मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट रीटेस्ट करने आई थी। इस वाले कैंडल में वॉल्यूम नहीं थी, मतलब जो सेलिंग आई उसमें वॉल्यूम नहीं थी, बेयर्स की क्वांटिटी बहुत कम थी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉपर रीजन बनता है बाइंग करने के लिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे आप लोग का इन वाले लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते थे, जैसे कि ये हमारी आखिरी रेड कैंडल है, तो इस आखिरी रेड कैंडल के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे इस वाले लेवल्स को, उसको जब क्लियर की एग्जैक्टली अगर देखो तो इस वाले सपोर्ट पे, क्योंकि बनी है ना इस वाले सपोर्ट बनी है, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन प्रॉपर इसको एंगल्फ कर लेती है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बुल्स ज्यादा हैं लास्ट कैंडल से ज्यादा, और यहाँ से टेस्ट करके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगी। ऑल्दो ये वाला काम थोड़ा सा रिस्की होता है 5 मिनट पे, 15 मिनट पे जैसे बताया वैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, तो उस बेसिस पे वहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। मतलब आखिरी जब रेड कैंडल बने उसको जब ग्रीन कैंडल एंगल्फ कर ले फिर वहाँ पे आप लोग ट्रेड करना स्टार्ट। तो अभी के लिए फिलहाल देखा जाए तो ये दो रीजंस हो सकते हैं हमारे बाइंग करने के लिए। ऑल्दो यहाँ पे कुछ एम पैटर्न वगैरह बन गया, थोड़ा सा रीटेस्ट करने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे आप लोग शुरुआती तौर पे सेलिंग भी कर सकते हो, यहाँ तक इसको मार्केट लाने की कोशिश कर सकते हो आप। तो अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर तो बहुत ही अच्छी ट्रेड मिली थी, और तो बैंक निफ्टी के अंदर फिर से थोड़ा सा हमें विश्वास कम था, इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड हमने नहीं किया। यहाँ पे देखा जाए इन वाले लेवल्स के ऊपर हमने कहा था कि यहाँ पे ऊपर जाती है तो आप लोग ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हो, टारगेट्स इन वाले लेवल्स के होंगे, फिर इन वाले लेवल्स के होंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरह से अपना अपना इसका टारगेट दिया है। अभी फिलहाल देखा जाए कैसे हम लोग बाइंग कर सकते हैं, इतना समय से वेट कर रहे थे हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे अभी फिलहाल देखा जाए तो इन वाले लेवल्स को इसने ब्रेक किया है, तो थोड़ा सा अगर इन वाले लेवल्स पे टेस्ट करता है दोबारा ऊपर जाता है तो फिर हम लोग ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट्स यहाँ पे ब्लू स्काई जोन में है, तो थोड़ा समय तक हम लोग उसको राइड करना पड़ेगा। सेलिंग कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि सेलिंग होने वाली है यहाँ पे, पता जैसे सेम तरह से जैसे हमने निफ्टी में बताया बाइंग के लिए, वैसे ही बैंक निफ्टी में सेलिंग आती है। इनफैक्ट निफ्टी में भी वैसे सेलिंग आती है, किसी भी स्टॉक में वैसे ही सेलिंग आती है। यहाँ पे सिंपल आप लोग देखो जो टॉप पे ग्रीन कैंडल बने उसके लास्ट आप लोग ये मार्क कर लो, उसके बाद जैसे ही इन वाले लेवल्स पे आप लोग को कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी आप लोग वहाँ पे सेलिंग आप लोग देखना कि एक निश्चित तौर पे मिलेगी, थोड़ा सा भले ही साइडवेज होकर दोबारा ऊपर आ जाए लेकिन थोड़ी सी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। उस केस के अंदर आप लोग वहाँ पे पोजिशन
स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे सिमिलर केस है, इस वाले कैंडल के नीचे आई तभी यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिली, इस वाले कैंडल के नीचे आई तभी यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिली। यहाँ पे देखो एक ये रेड कैंडल है लेकिन ये हाई पे नहीं, फिर भी आपको एग्जाम्पल दे रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल इसके नीचे नहीं आई तो यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग आ गई, यहाँ से सेलिंग नहीं आई। इसको हम ये नहीं कह रहे कि इसको आप लोग आइडेंटिफाई कर लो एज अ बाइंग सिग्नल, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे हम आपको, ठीक। तो ऐसे ही आप लोग रिकोगनाइज कर सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पे बनी टॉप पे एक तरह से कह सकते हो डोजी कैंडल, फिर इसके नीचे क्लोजिंग आई, थोड़ी सी सेलिंग आई, ऑल दो उसके बाद बाइंग आई, लेकिन सेलिंग डेफिनेटली इस कैंडल के बाद आई थी यहाँ पे, तो वो चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के नीचे, ग्रीन कैंडल के नीचे, यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सेलिंग नहीं हुई बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसके नीचे, नीचे जूम इन कर लें, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पे देखोगे तो मोस्टली एकदम टच होके ऊपर चलेगी, यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली इसलिए यहाँ पे सेलिंग नहीं आए। सिंपल रीजन है, इसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग बच सकते हो, आप लोग लंबा ट्रेल भी कर सकते हो इस केस के हिसाब से। तो यहाँ पे सिंपल बाइंग रहेगी ब्लू स्काई जोन में, इसलिए एग्जैक्टली टारगेट नहीं बताया जा सकता कि किस हिसाब से यहाँ पे ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे आपका मतलब ये कैंडल्स आपको लगातार फॉलो करनी पड़ेंगी, अगर ये कैंडल्स फॉलो कर ली तो आप लोग एक लंबा टारगेट भी अचीव कर सकते हो ऑल टाइम हाई के आसपास है, नहीं तो बेटर क्या होगा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आना, अगर आप लोग को रिस्की लग रहा है ये काम करना, डेली टाइम फ्रेम पे आना सिंपल। यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिल जाएगा तो यहाँ पे आप लोग पोजिशन बनाना पोजिशनल बेसिस, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे, और फिर उसको आपको गैरी भी कर सकते हो, वो रिस्की मतलब उसमें स्टॉप मतलब लॉस होने के चांसेस उसमें बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर आप लोग को ये नहीं रहेगा कि स्क्वायर ऑफ कब करें, क्योंकि यहाँ से मार्केट तेजी में आ सकती है अगर कल इसके ऊपर से कंटिन्यूशन में रहा तो। इसी के साथ फिलहाल चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन वॉलेटाइल भी हो सकती है मार्केट, तो इस एक्सपायरी के लेना भी रिस्की वाला काम होगा, तो ये सोच समझ के करना, अगर गैप खुल जाता है तब हम लोग के लिए इजी हो जाएगा, गैप नहीं खुलता है तब पोजिशनल पे मतलब गैप खुलता है तो कैरी फॉरवर्ड हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब गैप खुलता है तो हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग को लगा देना है यहाँ पे स्टॉप लॉस, उसके बाद ट्रेल करते करते ऊपर ले जाना है, तो ऐसे सिनेरियो बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस नहीं होता है, फ्लैट खुलती है मार्केट तो वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड मत करना, वहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं। इसी के साथ चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना। ओके बाय।